अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो शेयरिंग है स्ट्रीट स्टाइल पकोड़े का रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से बनते हैं और बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। तो इसके लिए एक बोल में सबसे पहले लेंगे हाफ कप बेसन। आप जितना बनाएंगे उतना लेंगे, मैं हाफ कप ले रही हूँ। और यहाँ पर दे रही हूँ अजवाइन 1/4 टीस्पून हाथ में क्रश करके, थोड़े से साबुत जीरा, साथ में चिली फ्लेक्स दे रही हूँ, आप चाहे तो चिली पाउडर भी दे सकते हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ज़रा सा गरम मसाला, ये सब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मैंने दिया है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और एक चुटकी हींग देने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी देके इसका ठीक सा बैटर बना लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पोरी नहीं बनाना है। ठीक सा बैटर बनाने के बाद मैं यहाँ पे पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल्ड पोटैटो। मैंने 2 बड़े बड़े आलू लिए हैं बॉयल किया हुआ, लेके इसको अच्छे से हाथों से क्रश कर लिया और इस बैटर के साथ मिक्स कर दिया। इस स्टेज पे आप चाहे तो प्याज भी दे सकते हैं, ये आपका मर्जी होगा, मैंने नहीं दिया। उसके बाद बस गरम तेल में इसको छोड़ते जाना है और इसको आप हाई फ्लेम में भी फ्राई कर सकते हैं, या तो तेल गरम होने के बाद इसको लो फ्लेम करके आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको हाई फ्लेम में फ्राई किया, बहुत ही जल्दी ये बन भी गया, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। और इसको गोल्डन फ्राई करना है या तो थोड़ा सा येलोइश रखना है, ये पूरी तरीके से आपका मर्जी होगा। और इस पकोड़े का खास बात ये है, अंदर से ये पूरी तरीके से सॉफ्ट होगा लेकिन ऊपर से क्रिस्पी क्रांची होगा। ये स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ा है, स्ट्रीट में ऐसे ही पकोड़े पाए जाते हैं, हमारे यहाँ तो खास करके यही पाए जाते हैं। बीच बीच में हम मंगवाते हैं तो यही आता है, उसमें प्याज नहीं होता, बस उसी स्टाइल में मैंने इसको बनाया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस बारिश के मौसम में ये आसान से बनने वाले, बहुत ही जल्दी जल्दी झटपट बनने वाले ये पकोड़े का रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। और चाहे तो आप ऐसे ही शाम के स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं, मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।